Modi 3.0 gears up for a historic third term. Intense discussions, however, have been underway. Because while the swearing-in of the cabinet could be on June 9th, but who will be in this cabinet? The NDA, led by Prime Minister Modi, will hold a meeting of the newly elected MPs at the parliament, we are told today, in just a short while. BJP MPs-elect, along with chief ministers, deputy chief ministers, have also started to arrive. But the focus, of course, will be on the two ends, TDP chief N. Chandrababu Naidu, and also Bihar Chief Minister Nitish Kumar. Now, the NDA has unanimously elected Narendra Modi as their alliance leader. They have already sought appointment with President Draupadi Murmu to stake claim, which will likely happen in the next 24 hours as well. But it remains to be seen eventually which party, which leader or the MP gets what portfolio, what position, because all of this can actually play a role in how the next 5 years look like for the NDA government. हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं. हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है. आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में. ये कोई मामूली बात नहीं है. इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है. और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है. और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. कल सभी नवनिर्वाचित सांसदों का, हमारे भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का और सामान्य प्रदेश अध्यक्षों का बैठक है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं. यहाँ से भी, छत्तीसगढ़ से भी हम, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी नवनिर्वाचित सांसद जा रहे हैं. पार्टी की अलग अलग बैठकें हैं और निश्चित रूप से अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. ये हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है. कल महत्वपूर्ण बैठक है, सभी सांसद और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी बैठक में जा रहे हैं और नर्सों शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है. तो उसके तब तक के लिए हम सब बड़ी प्रसन्नता के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए, शपथ लेते हुए देखने जा रहे हैं. ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है. और बिहार और देश में मोदी जी ने फिर से, मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया.